नमस्कार साथियों, मैं किशनगढ़ से नटवरलाल भाईती। किशनगढ़ एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ मार्बल व पावलम उद्योग नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। रेल मार्ग व हवाई मार्ग से और सड़क मार्ग से सभी से ये जुड़ा हुआ है। हालांकि हवाई सेवाएं जितनी होनी चाहिए उतनी यहाँ नहीं है। वो वर्तमान में ये शहर जो है केवल सूरत हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है। सूरत एयरपोर्ट और किशनगढ़ के बीच हवाई सेवाएँ उपलब्ध है। प्रारंभिक काल में जब ये एयरपोर्ट शुरू हुआ था तब हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर इन स्थानों को भी एयरपोर्ट से या हवाई सेवा से जोड़ा गया था, मगर कालांतर पर चलकर इस वक्त ये केवल सूरत शहर से जुड़ा हुआ है और यहाँ से सूरत के लिए सप्ताह में केवल 4 दिन फ्लाइट्स उपलब्ध है। वो इस प्रकार है, प्रिय दर्शकों, आपसे एक विशेष अनुरोध है मेरा कि जब भी आप एयरपोर्ट से या हवाई उड़ानों से संबंधित कोई भी वीडियो देखें, ये स्पेशली मैं ये कहूँगा यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे समय समय पर समय सारणी परिवर्तित होती है, अलग हवाई स्टेशन जोड़े जाते हैं, घटा दिए जाते हैं, तो वीडियो को अपडेट करना संभव नहीं होता है। उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको अपडेट किया जाता है। मेरे कई वीडियोज इस चैनल पर हैं और मेरा एक चैनल और है नटवरलाल भाईती के नाम से, उस पर भी मैंने कई वीडियोज डाल रखे हैं। जब भी आप इन वीडियोस को देखें जो हवाई सेवा से संबंधित हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो अपडेट करना संभव नहीं है, डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया जाता है। अभी मुझे लगता है किशनगढ़ को और भी हवाई शहरों से जोड़ा जाएगा, हवाई जहाज मार्ग से अन्य शहरों को, देश के अन्य शहरों को भी जोड़ा जाएगा। इसलिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन जब भी देखें हवाई मार्ग से संबंधित वीडियो। अच्छा, इसमें एक बात और है, इनमें विंटर शेड्यूल और समर शेड्यूल अलग अलग चलते हैं, तो शेड्यूल में भी परिवर्तन होता रहता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में इन जो शेड्यूल में चेंजेज होते हैं उनको आप तक पहुंचाऊं। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, मैं किशनगढ़ शहर से हूं और अपने प्रारंभिक जीवन से ही, बाल्यकाल से ही मैं टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। पावरलूम मेरा पसंदीदा विषय रहा है और किशनगढ़ में टेक्सटाइल एक निरंतर बढ़ते हुए उद्योग की ओर है। यहाँ पर सेमी ऑटो लूम, आपके स्लो स्पीड पावर लूम, रेपियर लूम्स, सल्जर और एयरजेट लूम्स भारी संख्या में यहाँ पर है। और किशनगढ़ के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ 6 काउंट से लेके 34 काउंट तक का यार्न ज़्यादा काम में आता है और सभी तरह के लूमों पे यही काउंट ज़्यादातर आता है। होजरी की यहाँ कोई यूनिट नहीं है और न ही यहाँ पर कोई जकार्ड के लूम है, यानी कि यहाँ जितना भी कपड़ा आपको मिलेगा ग्रे फॉर्म में ही मिलेगा और उसको आगे आपको प्रोसेस करना है, किस यूज़ में लेना है ये आप पे डिपेंड करना है। डाइंग के लिए उपयुक्त होता है, प्रिंट के लिए उपयुक्त होता है और यहाँ कैरी बैग के लिए भी कई तरह की क्वालिटीज़ बनती है। जो लोग कॉटन कैरी बैग बनाते हैं उनके लिए यहाँ सैकड़ों क्वालिटीज़ उपलब्ध है, अलग अलग प्राइस रेंज की क्वालिटीज़ उपलब्ध है। खैर, अब मैं बढ़ता हूँ आगे, आज जो मुख्य विषय है उसकी ओर। अभी एक भारत में योजना चल रही है रीजनल कनेक्टिविटी की, 0.05 स्कीम नाम है उसका। उसके तहत किशनगढ़ शहर को 2 और सौगात मिलने वाली है। 29 सितंबर से किशनगढ़ और हैदराबाद के लिए सेवा उपलब्ध हो जाएगी और ये सेवा नागपुर होते हुए होगी। यह फ्लाइट हैदराबाद से नागपुर होते हुए किशनगढ़ पहुंचेगी। यह फ्लाइट हैदराबाद से सवेरे 10 बजे प्रारंभ होगी, उड़ान भरेगी ये, और 11:15 यानी 1 घंटे 15 मिनट का सफर तय करते हुए ये नागपुर पहुंचेगी। और नागपुर इसका जो 35 मिनट का होल्ट रहेगा और 35 मिनट का होल्ट लेते हुए और 11:50 पर किशनगढ़ के लिए उड़ान भरेगी और 1:20 पर यह किशनगढ़ पहुंचेगी। यहाँ से ये वापस नागपुर के लिए जाएगी और इसका प्रस्थान समय इस प्रकार रहे, 1:50 पर नागपुर के लिए उड़ान भरेगी और 3:20 पर यह नागपुर पहुंचेगी।
नागपुर से ये फिर सायंकाल 4:55 बजे हैदराबाद पहुंचेगी, यानी कि किशनगढ़ से हैदराबाद का जो सफ़र होगा वो लगभग 3 घंटे 5 मिनट का होगा। यह सेवा सप्ताह में केवल 5 दिन उपलब्ध होगी, या यूँ समझिए कि यह मंगलवार व बुधवार को उपलब्ध नहीं होगी, बाकी दिन यानी कि रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। पुनः दोहरा देता हूँ, ये सप्ताह में केवल 5 दिन है, 2 दिन नहीं है, और जो 2 दिन नहीं है वो मंगलवार व बुधवार है। जैसे ही किसी भी तरह का और कोई परिवर्तन होगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अपडेट कर दिया जाएगा। अब एक और सौगात किशनगढ़ को मिलने वाली है, ये 29 सितंबर को नहीं, 29 अक्टूबर को। ये मैं आपको जोड़ दे के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 29 सितंबर से हो रही है और वो 29 अक्टूबर से हो रही है, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं जोड़ दे के कह रहा हूँ कि एक हवाई सेवा और उपलब्ध होने वाली है, ये जोधपुर होते हुए पूना के लिए होगी। किशनगढ़ पूना जोधपुर, किशनगढ़ जोधपुर पूना, इस तरह ये चलेगी। इसकी समय सारणी साथियों अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, मगर यह तय है लगभग कि 29 अक्टूबर से ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक लोगों को शेयर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि कई लोगों के पास पुरानी वीडियोज़ है, उनको अपडेटेड जानकारी मिल जाए। वैसे तो YouTube का एल्गोरिथम अपना काम करता ही है, मगर मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। तो महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये देने वाला हूँ आपको कि किशनगढ़ में यदि आपको किसी भी तरह की कोई परचेजिंग करनी हो ग्रे कपड़े की, तो उसके लिए मेरी समय सदैव उपलब्ध है। मेरा वीडियो किशनगढ़ पावलन को लेकर कई वीडियोज लर्न विद बायती जी चैनल यदि आप खोलेंगे तो उस पर कई तरह के वीडियोज मिल जाएंगे। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल पर संपर्क करने से पहले आप कृपया व्हाट्सएप करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे कब संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे बात करना संभव नहीं होता है और 24 घंटे कोई उपलब्ध होता भी नहीं है। आशा है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूँगा, वंदे मातरम।